मैं आपको बताने वाली दक्षिण भारत की डिश तक्काली सांभर। तक्काली मीन्स टमाटर होता है। देखिए हम इसमें क्या क्या डालेंगे। मैं दो टमाटर ले, मैंने दो या तीन लोगों के लिए बना रही हूँ, दो टमाटर ले रखे हैं। दालचीनी लिया है मैंने, कुछ काली मिर्च लिया है, अदरक लिया है, लहसुन है, ये लौंग दो लिया है, इलायची है, ये जीरा ले रखा है, और ये मैंने रोस्टेड चना है, और ये खसखस है। रोस्टेड चना आप चाहें तो घर में भी रोस्ट कर सकते हैं। ये नारियल है, ये प्याज ले रखा है, कुछ वेजिटेबल्स मैंने काट रखा है, आप अपनी इच्छा के हिसाब से कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। ये बीन्स है और ये गाजर है, ये नमक है और ये राई है, हल्दी, तेल, ये करी के लिप्स ले कर रखे हैं कुछ। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब सारी चीज़ों को मैं ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। ये है नारियल, ये कच्चा नारियल है, सूखा नारियल नहीं है। सारी चीज़ों को पहले मैं ग्राइंड करूँगी। ये दो टमाटर ले रखा है, ये रोस्टेड चना, लौंग, इलायची, लहसुन, जीरा, ये काली मिर्च और दालचीनी। सारे मसालों को मैं पहले ग्राइंड करूँगी। इसमें मैं अदरक डाल देती हूँ। टमाटर कट करके डाल दूंगी। सारी चीज़ों को पहले हम ग्राइंड करेंगे। चलिए मेरा पेस्ट तैयार हो गया है। कढ़ाई में हम एक स्पून तेल डालते हैं। तेल गर्म हो जाने पे प्याज डाल देंगे। और करी के कुछ लीफ डाल देते हैं। हमारे प्याज थोड़े ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें मैंने कटे हुए वेजिटेबल्स डाल दूंगी। अब मैंने जो पेस्ट बना करके रेडी किया था, अब हम पेस्ट डाल देंगे। मसाले को थोड़ा भून लेंगे। हमारे भी मसाले भून के तैयार हो गए हैं। थोड़ी हल्दी डाल दूंगी और आपको स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं आप। कमी आदि सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। पानी डालते हैं। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है थोड़ा, ये कुछ देर हम इसको ढक के थोड़ा ढक देंगे। अब हमारे 5 मिनट हो गए हैं, हमारी तक्काली सांभर बनके रेडी हो गया। अब हम इसको सर्व करेंगे।
चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। अब देखिए हमारे तत्काली सांभर बन के रेडी हो गए हैं। आप इसको चाहे गर्मा गर्म चावल के साथ या लच्छा पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।